वीरागनी कि जब दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के भरी सभा में खींच के लेके जाता है, अगर बात अच्छी लगे तो नौजवान साथियों ताली बजा देना, नहीं तो तुम्हारे जूते तो पहन रखे होंगे, सिर पे मार दियो, दोनों काम तो करियो। तो कैसे दुशासन द्रौपदी, जब दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के भरी सभा में खींच के ले जाता है तो किस प्रकार द्रौपदी कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और पतिव्रता नारी में इतना तेज होता है, अगर तू मुझे हाथ लगाएगा तो तू जलकर राख हो जाएगा। लेकिन दुशासन उसे उल्टी सीधी बात कहता है कि तू कहाँ की पतिव्रता है, तू तो पांच पतियों की पत्नी है, तू अपने आप को पतिव्रता बताती है। तो कैसे द्रौपदी किस प्रकार दुशासन को क्या कहती है रागिनी के माध्यम से, मेरा छोड़े दुशासन हाथ बात जो कहनी दूर ते कही, के दुशासन जो तुझे मुझसे बात करनी है वो दूर हट करके, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, तू मुझे हाथ लगाकर कैसे लगा सकता है मुझे हाथ, तो कैसे कहती है बड़ा सुनिएगा, मेरा छोड़े दुशासन हाथ बात जो कहनी दूर ते कही, मेरा छोड़े दुशासन Thank you.
सुशासन ले कहना मान भरी सभा में जेठ जले की दूंगी मैं बिगाड़ शान भरी सभा में जेठ जले की दूंगी मैं बिगाड़ शान हो चाहे सर पे चढ़ा देता है, लेकिन हम इसे व्यर्थ ही खो देते हैं, लड़ाई झगड़ों में, इधर उधर की बातों में खो देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, जब पता लगता है कि हमने ये जो जवानी है, और ये हमारा बचपन है, ये हमने कहाँ खोया, तो क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करके प्रेम से जीवन व्यतीत करना चाहिए?